हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज ऋषभ एंड यू वाचिंग द MG ZS पेट्रोल। ZS EV का भी रिव्यू आप ऑलरेडी हमारे चैनल पर देख चुके हैं, द ड्राइव रिव्यू, द वॉक अराउंड एंड एवरीथिंग एल्स। बहुत लोग इस गाड़ी के इंतजार कर रहे थे बिकॉज MG की आदत है गाड़ियों की प्राइस बहुत ही कंपटीटिव रखने का, और MG ZS पेट्रोल आने से Kia Seltos एंड Hyundai Creta 2020 को एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मिल गया है। दिस इज़ नॉट द EV एंड दिस इज़ नॉट द ZS EV वाला डिज़ाइन, दिस इज़ अ कम्प्लीट यूनिक डिज़ाइन। LED DLLs आप देख सकते हैं चेंज कर दी, फॉग लैंप हाउसिंग चेंज हो गई, ग्रिल कम्प्लीटली चेंज कर दी गई है, एंड इसमें आपको जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के नीचे फॉग लैम्प्स का डिज़ाइन दिया गया है वो आपको, सॉरी नॉट फॉग लैम्प्स, एक कॉर्नरिंग असिस्ट वाले लैम्प्स दिए गए हैं, वो भी काफ़ी यूनिक डेफिनेटली लग रहे हैं। इंडिया में इस गाड़ी को लॉन्च बहुत जल्दी कर दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसी साल के एंड में, यानी कि सितंबर अक्टूबर, एंड आपके पास दिवाली में ये गाड़ी घर पर खड़ी होगी। डिज़ाइन के बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हुए मैं साइड प्रोफाइल में जाना चाहूँगा, जहाँ पर आप इसके अलॉय व्हील्स देख पाएंगे जो कि आपको मिल जाते हैं 17 इंचेस के, और यहाँ पर इसमें ये एक पेट्रोल इंजन है। स्पेसिफिकेशंस वॉक अराउंड के बाद बताता हूँ सारी की सारी। फीचर्स के मामले में इसमें आपको स्काई रूफ मिलेगी, जैसे कि आपको MG ZS EV में मिलती है कंप्लीट पैनोरामिक। उसके साथ साथ आपको मिलेंगे इसमें यू नो यूवो कनेक्टेड फीचर्स, 8 इंच की टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, वेंटिलेटेड सीट्स मोस्ट प्रोबेबली इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। LED टेल लैंप्स में भी डिज़ाइन का काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। LED टेल लैंप्स की बात करें तब आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से इसके LED DRLs हैं। मैं आपको ब्राइटनेस लो करके दिखाता हूँ। डेफिनेटली ये ZS EV से ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है, एक नेक्स्ट जनरेशन मॉडल है तो लगेगा ही। 360 डिग्री आपको इसमें कैमराज मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल विंग मिरर्स के साथ साथ शार्क फैन एंटीना, पीछे की तरफ फॉग लैम्प, सॉरी रियर फॉग लैम्प्स का जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। एंड इसमें भी दो तरह के इंजन आएंगे पेट्रोल में, एक टर्बोचार्ज होगा 1.3 एंड एक होगा नेचुरल एस्पिरेटेड 1.5, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको ऑब्वियसली रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल रहा होगा क्रोम के हैंडल्स के ऊपर। विंडो पेन्स काफ़ी बड़े हैं जिसकी वजह से आपको आइसोलेटेड बिल्कुल फील नहीं होगा। ऑल 4 डिस्प्लेस आपको मिल जाती है रेड कैलिपर्स के साथ, जो इसको एक स्पोर्टी लुक डेफिनेटली देते हैं। डायमेंशन वाइज ये गाड़ी बिल्कुल सेम है। अगर मैं आपको फ्रंट में इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा और बताऊँ तो आपको मैं इजीली बता सकता हूँ कि जो इसका 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो जनरेट करेगा 88 किलोवाट की पावर विद 150 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, विच इज़ क्वाइट इंप्रेसिव एंड मोर देन इनफ। टर्बो इंजन की तो वो मिलेगा आपको 1.3 लीटर का GDI इंजन, जो कि 120 मैसिव किलोवाट आर की बैटरी, सॉरी 120 किलोवाट आपके लिए जो पावर जनरेट करेगा विद 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। उसका बेनिफिट आपको क्या मिल जाता है, एक कमाल की परफॉर्मेंस। 5-speed आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी, जिसमें आपको 6-speed CVT ऑप्शन भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा हर तरह के जो फीचर्स है वो आपको बिल्कुल सेम मिलने वाले हैं, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक SUV, लाइक द 6 एयर बैग्स मिलेंगे आपको, 17 इंच के अलॉय व्हील स्मार्ट आपको एंट्री मिलेगी, 10.1 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो आई स्मार्ट वाली मिलती है। जो आपको मिलती है टच स्क्रीन इन दी MG ZS EV वो 8 इंच की है, लेकिन इसमें आपको 10 इंच की मिलेगी, विच इज़ रियली गुड। तो ये था MG ZS के बारे में। प्राइसिंग अभी नहीं बता, लेकिन डेफिनेटली 9 लाख के आसपास इसका बेस वेरिएंट का प्राइस शुरू होगा, और टॉप वेरिएंट अगर सिर्फ पेट्रोल में आती है तो 14 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस MG ZS, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। और आपको बता दूं कि एक्सपो की हर तरह की गाड़ी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 9th को मैं और मेरे साथ जितने भाई लोग यहाँ पर आए हैं चैनल वाले, वो आपको डेफिनेटली जल्दी मिल जाएंगे 2 या 3 बजे के आसपास मारुति के हॉल के नियर अराउंड 9 तारीख को। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।